हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मोर्शी अपर वर्धा डैम में घूमने को। तो अभी अपन निकल रहे हैं, अभी इन्हीं के घर से तो निकल गए अपन, नांदगांव के अव्वल आ गए, रोड लग गए सीमेंट का अपने कॉन्क्रीट का। तो और अभी अपन निकल रहे हैं, बास भाई पीछे है, आपने तो देखे जो एक क्लिप में अभी पीछे गए हो, और उमर बिंदास का भी चालू है। और सबसे खुशी की बात, अपने गाड़ी में इंजन ऑयल भी डल गया, जो कि अपना मोटुल है, तुमको तो मालूम है, सबका अपना ब्रांड मन पसंदीदा, पूरा ही डाल दिया 1.5 लीटर। और वो सोचेंगे आपके वो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर मैंने सूखा ही डाल दिया, सूखा डालने के बाद इंजन में जो सर्कुलेट होता है तो उसके बाद होते ही ना, देखो बास भाई निकले हैं, बहुत स्पीड में भगाते हैं बास भाई अपने, अपन ज़्यादा नहीं भगाते, अपने हिसाब से भगाते। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो अपन ने जो सर्विसिंग करे वो हो गई, उसके बाद आज निकल गए डायरेक्ट, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, बड़े राइड को निकल गए, ज़्यादा नहीं छोटी मोटी है, 120-130 किलोमीटर भरी ही है जहाँ तक के लगता मेरे को, ज़्यादा तो नहीं होएगा, जो भी है देखेंगे बाद में। और इधर ये इधर इस्तेमाल हुआ था MIDC एरिया में, पूरा नॉइस यानी कि वॉइस तो एक नंबर आएंगी। 40 किलोमीटर है, यू चले जाते अपन, यू चले जाते, और देख सकते हो अपना मीटर भी दिख रहा, और ये मीटर का भी वायर डाल लिया मैंने आपको कुछ खबरी, यानी कि अब अपने गाड़ी में टोटली काम हो चुका है, अब कुछ भी नहीं, अपना मीटर वो रीडिंग नहीं शो कर रहा था, मीटर थोड़ी बनवा रीडिंग शो नहीं कर रहा था, तो रीडिंग भी बदल दिए, बाकी सब नवे जैसा हो गया अपने गाड़ी में। और यहाँ पे वातावरण भी थोड़ा अच्छा लग रहा है हमको, इधर का अपने क्या बोलेंगे ये साइड का देख सकते हो, ये पिंक परी आ रही है, अरे अरे घर का राज चल रहा कर रहे तेरे, हाँ इनको तो ऐसा दिल बोलता है कि चपला निकाल के मारना सालू उठा उठा के, पर नहीं अपन ऐसी नहीं करेंगे। अरबाज भाई कह रहे पीछे दे दो, और हमने पेट्रोल वेट्रोल भी डाल लिया, ज़्यादा कुछ नहीं, अब आपके हिसाब से डाल लेना, अपने एवरेज के हिसाब से आपकी गाड़ी कितनी देती है, पानी पूरी लेके जा रही चाचा। अब मोर्शी जाएंगे अपन डायरेक्ट मोर्शी, ये देखो बास भाई भगाते गाड़ी, बहुत तस्के से भगाते गाड़ी, आगे निकल गए अब, अपनी 80 में चल रही, उनकी क्या मालूम कितने में चल रही, अब तो रीडिंग भी शो करता है, ज़्यादा कुछ नहीं, अब सब मालूम पड़ता, हाई टेंशन लाइन देख सकते हो, ये शायद सूफी का प्लांट है सोफिया, मेरे को लगता है, मेरे को वैसा पता तो नहीं है, पर मेरा जहाँ तक के ख्याल है जो भी है, तो वो हिसाब से मज़ा आता अपन गाड़ी चलाने में, और एक से एक ये मिलते हैं क्या बोलेंगे फ्रिक्वेंसी। हाँ हाँ ये देखो कोई तो भी गाँव आया है, और वोल्टेक आराम से करते हुए सेलोरा मोर्शी 5 ही किलोमीटर आए अपन वहाँ से चल के, बताओ तुम क्या करना होगा, अपने 5 ही किलोमीटर आई इतनी दूर से आएंगे 50 किलोमीटर गाड़ी ऊपर ही रहती है हर किसी की, ये बात नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी की गाड़ी ऊपर ही रहती है, नीचे किसकी भी नहीं रहती। ये लाल परी जाती है पूरी पॉल्यूशन उखाड़ते हुए, पूरी पॉल्यूशन करते हुए, शहर तो बहुत बड़ा दिख रहा है। देखो भैंसा आ गए और बाहर, क्या करना है इनका भैंसा का करना क्या, क्या देखो उनको रोड ही पसंद है, उनका खेत नहीं पसंद है, रोड पर ही जाएंगे बोलते हम, और हमारे अरबाज भाई पीछे से देख लिया हमने उनको, अरबाज भाई चलो लेट्स गो। ये क्या चीज़ है सामने जो दिख रही है, ये मुझे रेलवे का पुल दिख रहा, अब देखो ये औरता जा रही, औरता देखेंगे, औरता सब जा रही इधर, मेरे को लगता है ये भी मुर्शिद जा रही, कम ज़्यादा मुर्शिद जा रही, ये भी ये योली गाँव योली,
गाइस ये देख सकते हो, ये इसको लग रही है मेरे को कोई तो भी, ये कौन सा प्लांट है आप मुझे रिसर्च करके बताना वाला थोड़ा सा, कौन सा प्लांट है मुझे पता नहीं। सन ब्राइट इंग्लिश स्कूल, सन ब्राइट, ओ शिट मैन, अपन अपने हिसाब से चलते भाई, ज़्यादा नहीं अपने हिसाब से, बास भाई अपने हिसाब से गाड़ी, सब अपने 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 हिसाब से गाड़ी चलाते, अपन अपने अपने हिसाब से गाड़ी चलाते। ये मुझे रिसर्च करके कौन सा प्लांट दिख रहा है उमर बिंदा से, ये प्लांट कौन सा है बोला, प्लांट ये प्लांट कौन सा है बोला, सूफी है कि क्या है, चिन्ने विन्ने दिख रहे तो MITC में एक बार जाना पड़ेगा शायद अपने को उधर MITC में अंदर, देखो कितना धुआं फेंक रही हो, धुआं फेंक रही हो MITC। तो गाइस देख सकते हो कि अपन मोर्शी डैम के दूसरे साइड आए हुए, यानी कि बैक साइड में आए हुए, और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, पानी भी बहुत है, कुछ लोग नहा भी रहे थे, तो मैं बोलता अवॉइड करता हूँ कि ऐसी चीज़ें ना करें यहाँ पे, क्योंकि धोखाधड़ी का केस हो सकता है। और ये देख सकते हो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, और लोग पता है कि वहाँ से आने का है अपने को रास्ता, तो इधर से ऐसा लोग यहाँ से भी आ रहे हैं, वैसा ये जो कार दिख रही है ना वाइट वाली, ऐसे पीछे साइड से इधर से वापस घूम के इधर आना पड़ता है, क्योंकि कैसे ऊपर गाड़ी आती है और नीचे इधर का रास्ता थोड़ा संतुलन बिगड़ गया है। और देख सकते हो डैम की दीवार भी बहुत बड़ी है, कम से कम 100 फुट की तो दीवार ही छूंगी, दीवार बोले तो ऐसा खचके खचके समझ सकते हो तुम। और ये डैम का दूसरी साइड वहाँ से देख सकते हो गेट का व्यू, या अरबाज भाई कुछ फोटोशूट करते हुए, और बाकी सब देख सकते हो। अभी हम डैम के दूसरी साइड, देख सकते हो पानी एंड व्यू, अगर आपका हो जाए तो हमारी फोटो निकाल देना, हम आपको बार बार पूछना पड़ रहा ना। गाइस देख सकते हो इसके 13 में से 3 यानी कि 10 दरवाजे बंद है, ये भी आधे आधे खुले पूरे नहीं है, और यहाँ पर फेंसिंग वेंसिंग भी नहीं है, पैर वैर फिसला तो डायरेक्ट नीचे जाओ बोलते, तो थोड़ा केयरफुल हमने यहाँ पर गाड़ी लगा दी है। आ गए हो, एक मिनट आप पानी के बूंद आ गए, हाँ देख सकते हो अभी कैमरा सब पकड़ रहा हूँ मैं, यहाँ पर भी लोग बैठे हैं देख सकते हो, वहाँ पर लोग बैठे हैं और अपना भी। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मोर्शी से घूम घूम का, यानी कि मोर्शी डैम से, अब हम बाहर निकल गए, बाहर निकलते सी देखो बास भाई भाग रहे गाड़ी लेकर, निकलती सी यानी कि बाहर निकल गए हम सिटी के, क्योंकि थोड़ा चेकिंग चालू थी पुलिस वालों की और पानी भी आ रहा था वो वजह से। तो अभी अपन निकलते हैं यानी कि सीधा जा रहे हैं अपन, सीधा मीन्स डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पर,
देखते कितनी देर में पहुँचते हैं हम। तो लेट्स डू इट मैन, अपन अंधेरा नहीं होएगा ना, अंधेरा नहीं होएगा ना। तो गाइस अभी देख सकते हो कि चल सब चल रहे हैं, अपन भी चल रहे हैं। नमाज भाई बहुत और निकल गए, अपन ही रहेगा फिर, अपन अपने हिसाब से चलेंगे और उनके आगे अपने लिए धीरे 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 जाएंगे अपन। बच्चे के रिएक्शन अच्छा होगी, अरे